Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about EcoSprint 75 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है EcoSprint 75 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, EcoSprint 75 mg टैबलेट एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही शानदार आरएक्स मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आरएक्स मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ हो रहा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जिसका अर्थ होता है कि जब तक कोई डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, मतलब लिख के नहीं देंगे, कोई मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी प्लेटलेट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी प्लेटलेट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी प्लेटलेट कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड क्लॉट को ठीक करने का काम करे। अगर कहीं पे भी हमारे ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो गया हो, ठीक है, चाहे वो हार्ट का ब्लड वेसल हो, ठीक है, तो उसको जो ठीक करने का काम करे वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि एंटी प्लेटलेट कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वर्ग तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो EcoSprint 75 mg होती है कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यूएसवी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत सारी शुगर की दवाइयां बनाती है, जो भी डायबिटिक की दवाई, डायबिटीज की दवाई होती है ये कंपनी बनाती है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएसवी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 5 रुपए से लेकर 7 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सस्ता आता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो EcoSprint आप देखते हैं 75 mg, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एस्पिरिन 75 mg पाया जाता है। एस्पिरिन 75 mg पाया जिसका इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर या हार्ट से रिलेटेड दिक्कत को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, एस्पिरिन को दूसरे शब्दों में, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, शॉर्ट में जिसको ASA भी बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। मतलब आप एस्पिरिन कहो या उसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहो, बात है कि मतलब ये सॉल्ट नेम हो गया, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार के इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या कब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या डॉक्टर द्वारा कब इसका इस्तेमाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन वन बाय वन करके इसके यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर वन है ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। कि अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, सर दर्द हो, माइग्रेन एक तरह का दर्द होता है जिसमें आधा सर, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट टेम्पोरल हो या लेफ्ट टेम्पोरल हो, उसमें क्या होता है सर दर्द करते रहता है, ठीक है, और इतना ज्यादा दर्द करता है कि इंसान काम नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसको लाइट में डर लगता है जाने से। हालांकि मैंने 0 ग्रेन प्लस टैबलेट पे वीडियो बनाया, उसमें आपको अच्छे से समझाया कि माइग्रेन क्या है, ठीक है। तो माइग्रेन के दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, इसका इस्तेमाल हेडेक को भी ठीक करने के लिए किया था। आपने बहुत पहले प्रचार देखा हुआ डिस्प्रिन का क्या मत था, आप लोगों भी देखते थे सर दर्द ही दिखाता था, तो कहते हैं कि डिस्प्रिन में भी क्या था, एस्प्रिन था। तो अगर किसी का सर दर्द हो
तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग पाया जाता है, ठीक है। तो सरदर्द आपने एडवर्टीजमेंट में सुना होगा, डिस्प्रिन, सरदर्द का अंत तुरंत, समझो हेडेक, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हेडेक को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है, ठीक है, सीने में दर्द हो रहा है लेकिन वो हार्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है, दिल की तरफ हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि फ्रेंड्स एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपर ढंग से उसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है, तो जिसके कारण हार्ट सिकुड़ने लगता है, ठीक है, और जोर से दर्द होने लगता है, और जब दर्द होता है तो रेडिएटिंग टाइप का पेन, तो धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, शोल्डर की ओर तरतराते हुए जाना शुरू करता है। तो उस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल, चाहे वो किसी कारण से हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो, चाहे किसी तरह का ब्लड क्लॉट हो गया हो, ठीक है, तो उसके कारण भी ये होता है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। फिर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट स्ट्रोक, कि अगर प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट स्ट्रोक किसी कारण से, जैसे हमारे ब्लड क्लॉट हो गया, हार्ट के जनरली है, ठीक है, उसमें क्लॉट हो गया, ठीक है, उसके कारण जाहिर सी बात है ब्लड आगे सप्लाई होगा नहीं या ऑक्सीजन आगे जाएगा नहीं, तो हो सकता है कि स्ट्रोक भी आ सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझो कि हमारे हार्ट में कोई सी प्रकार का ब्लॉकेज है ब्लड का, ठीक है, तो उस क्लॉट को खोलने के लिए, सही करने के लिए, तोड़ने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कोई क्लॉट नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही आपने सुना प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट स्ट्रोक, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज एक प्रकार का डिजीज है जिसमें हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसके वाल के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कावासाकी एक डिजीज है जिसमें हमारा ब्लड वेसल जो था उसके जो वॉल होता है, ठीक है, उसके ऊपर इन्फ्लामेशन, जलन होना या सूजन हो जाना शुरू हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार का डिजीज है जिसमें फैट बिल्डअप हो जाता है हमारे कोरोनरी आर्टरी पे, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन रेक्टल कैंसर, कि आपके कोलोन में या कोलोरेक्टल शॉर्ट में बोल सकते हैं, कोलोन में, ठीक है, या रेक्टल में अगर कैंसर हो गया तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर डॉक्टर यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कोलोन होता है, ठीक है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, आपने नाम सुना होगा अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी हो, तो उसमें अगर कैंसर हो, ठीक है, कोलोन में चाहे रेक्टल में, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड, कि अगर किसी पेशेंट का हाई ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा, तो कभी कभी डॉक्टर इसको यूज वहां पे करते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि फैट हो जाता है, ठीक है, फैट बढ़ जाता है, ब्लड का मोटा होता है, तो वहां पे ब्लड थिनर भी चलते हैं साथ में, जैसे इको स्प्रिन, आपने गोल्ड नाम सुना होगा इको स्प्रिन, ठीक है, 10 mg, ये सब नाम सुना होगा, ठीक है, तो वहां पर इको स्प्रिन 20, ये सब नाम आपने सुना होगा, तो उसमें ब्लड थिनर मिला रहता है, ये सिंपली क्लॉट को ठीक करने का, वो ब्लड थिनर होता है, तो ब्लड को पतला भी करता है, तो कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, समझो कि 9 के बराबर, लेकिन कभी कभी इन रेयर केसेस कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया था और कहाँ कहाँ इस्तेमाल लिया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल जो जनरली लोग बोलते हैं कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो या कोई क्लॉट बन गया हो ब्लड का, ठीक है, ब्लड वेसल में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया था, लेकिन मैंने पूरे डिटेल्स में बताया आपको कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है इन द फैमिली वे में, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई मदर लैक्टेशन है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं पेप्टिक अल्सर, कि अगर कोई पेशेंट पेप्टिक अल्सर है, मतलब इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या बुंड बन गया, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है।
फिर कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है, जैसे कट लग जाने का, ब्लड रुकता नहीं हो, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज है, ठीक है, या दिक्कत है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाई बीपी की, अगर कोई पेशेंट को हाई बीपी से सफर करता है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अस्थमा की, अगर कोई पेशेंट अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ नहीं देना है, इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये जो रिस्क है ना ब्लीडिंग का, उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। कि अगर आप इस मेडिसिन को दे रहे हो अल्कोहल लिए हुए व्यक्ति, तो ये अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में कहीं पे ब्लीड हो रहा है तो उसको और ज्यादा तेज कर देगा ये, तो बस अल्कोहल वाले पेशेंट को आपको नहीं देना जो अल्कोहल ले रखा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखे उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है एब्डोमिनल पेन, हो सकता है आपको पेट दर्द हो सकता है। फिर कहते नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मिचलाना और उल्टी करने का मन करेगा। फिर स्टोमक अपसेट, आपका जो स्टोमक है वो अपसेट हो जाएगा। फिर कहते हैं इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, कि आपका जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ठीक है, वो मान लो ब्लीड हो रहा है तो उसको और ज्यादा ये इंक्रीज कर देगा। ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके लिए आप हो सके दूसरे मेडिसिन को लिखेंगे। फ्रेंड्स एक्चुअली बात करना है डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो डिपेंड करता है हमेशा एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज हमेशा डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये डोज जो बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, 1 IOD पोस्ट सिबोस, कि एक गोली रोज खाना आपको खाना खाने के बाद लेना, ठीक है, और इसका डिजायरेबल इफेक्ट चाहिए आपको तो ठीक अगले दिन भी आपको सेम टाइम पे खाना है, जितना बजे आज लिए हो, ठीक है, ठीक उसी टाइम पे नेक्स्ट डे उतने ही बजे आपको लेना है, ताकि आपको डिजायरेबल इफेक्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आए कि इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।